अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल में ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां की शुरू। समारोह स्थल को बांटा गया है 3 सेक्टरों में, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक की अध्यक्षता। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, यात्रियों की सुविधा के लिए निगम द्वारा 25 नई वॉल्वो बसें और 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने पर खुशी की व्यक्त। उन्होंने कहा, भारत के विकास की यात्रा अब और तेजी पकड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार को दी बधाई। कहा, लोकतंत्र में चुनी गई कोई भी सरकार जनमत का एक बड़ा हिस्सा होती है और उसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। राजधानी शिमला स्थित उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय को किया गया सील। शिमला जिला सीबीआई कोर्ट के आदेश पर की गई है ये कार्रवाई। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज के 418वें पावन शहीदी दिवस पर प्रदेश के विभिन्न गुरुद्वारों में अनेक कार्यक्रम किए गए आयोजित। प्रदेश में प्री मॉनसून की दस्तक से पहले लोगों को एक बार फिर से लू का करना होगा सामना। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में 12 और 13 जून को लू चलने का येलो अलर्ट किया जारी।